फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जायका। तो आज मैं बना रही हूँ मलाई रोल, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। तो एक लीटर दूध ली हूँ मैं, चलिए इसमें ऐड कर लेती हूँ। अच्छा स्पेशल दूध चाहिए इसको बनाने के लिए। इसको अच्छे से उबलने देते हैं और जब तक गाढ़ा नहीं हुए उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। दूध अच्छे से उबल रहा है हमारा, तो इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। जितना आप मीठा खाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप शुगर इसमें ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं लगभग 100 ग्राम शुगर ऐड कर रही हूँ। ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया और मीठा हो जाता है इसके हिसाब से, तो इस शुगर इसमें थोड़ा सा कमी डालें। अगर आप मीठा ज़्यादा खाने के शौकीन हो तो फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो इसको और अच्छे से गाढ़ा होने देते हैं, चाहे तो आप गैस फास्ट भी रख सकते हैं और मिक्स करते रहना है। फास्ट रखेंगे तो मिक्स करते रहना है। चलिए इसको और गाढ़ा होने देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दूध अच्छे से पक के गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लेती हूँ मैं और थोड़ा सा येलो कलर। आप चाहे तो कलर नहीं डाल सकते तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिना कलर के। तो मैं यहाँ पर येलो कलर डाल रही हूँ, अच्छा लगेगा इसके लिए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये ठंडा होने के बाद में और गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा मैं कलर डाल के और थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस बंद कर लेती हूँ मैं, ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। चलिए अभी जो रोल का जो अंदर खवा है ना वो बना लेंगे। तो गैस बंद कर लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ मैं, जो रोल के अंदर जो खवा रहता है ना वो बनाने के लिए। तो इतना काफ़ी है, तो इसको अच्छे से उबलने देते हैं। और इसमें जितना आप मीठा खाना उस हिसाब से इसमें भी आप चीनी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मिल्क पाउडर इसमें ऐड करूँगी वो भी मीठा होता है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाली हूँ मैं। इसको उबलने देते हैं, उसके बाद में मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। चलिए बस अभी मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। ये वाला मिल्क पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, चलिए आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। हाँ ये वाला तो 250 ग्राम है ये। चलिए अभी ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप चाहे तो बाज़ार से रेडीमेड खवा भी ला के उसका बना सकते हैं। गैस स्लोली रखना है वरना गाढ़ गिर जाएगी इसके अंदर। इसमें भी थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर लेती हूँ मैं और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो देखिए अच्छे से ठीक हो चुका है, है ना, अच्छे से बन गया हमारा खवा। ये ठंडा होने के बाद में और अच्छे से ठीक हो जाता है। चलिए गैस बंद कर लेती हूँ।
इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड को ले ली हूँ। देखिए सारे कोने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर का जो बना ली थी मैं, देखिए थोड़ा सा ऑयल हाथ में या घी लगा के इसको अच्छे से बना लीजिए। और इस मैन रहना चाहिए इसके, तो इसमें डाल के लपेट लेंगे। लपेट के इस तरीका से रख दीजिए, ऐसा रखेंगे तो निकल जाएगा, इसके लिए इसको इस तरीका से रख देना है। तो चलिए और एक बना लेती हूँ मैं। Thank you.